breaking news. ने जोर से चिड़ियों की आवाज सुनने से वो जग गया तो उसने देखा एक सांप आराम से पेड़ पे चढ़ रहा है। सब चिड़िया जोर जोर से चिल्ला रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है और वो आराम से पेड़ के ऊपर चढ़ा। उसने एक घोंसले में जाके बच्चे खा लिए और वो चला गया। तो वो पंछी को उड़ाने गया, वो चिड़ियों के पास आया और बोला, आप लोग इतनी संख्या में है, कोई सांप अगर आपके घोंसले में से कुछ उठा कर ले, आप लोग ये तरकीब करके देखो, आपका संकट दूर हो जाएगा। दूसरे दिन तय हो गया, पंछी ने उनको तरकीब बताई। जैसे सुबह सब चिड़िया जाके आई और घोंसले में, दोपहर तक वो अपने घोंसले में पहुंचकर छुप गई। और आज हम सक्षम महिला, निर्भय महिला, जो क्रीड़ा भारती का एक अंग है, उस हेतु से यहाँ पर सभी शहर की बड़ी संभ्रांत माता भगिनियों के साथ में इकट्ठे हुए हैं। सारी बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा नाम रखती हैं। जैसे वो स्पोर्ट पर्सन हो सकती हैं, वो शिक्षिकाएँ हो सकती हैं, वो बिजनेस वुमैन हो सकती हैं, या फिर ऐसे जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएँ हैं, वो सब आई हैं। और महिला सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि एक सक्षम महिला ही निर्भय होती है, और जो एक निर्भय महिला होती है वो निर्भय समाज का निर्माण करने में सक्षम होती है। ऐसे उद्देश्य के साथ में आज सक्षम महिला, निर्भय महिला का क्रीड़ा भारती के बैनर तले ये कार्यक्रम है, जिसमें हम आगे के आयोजनों में स्कूल कॉलेजेस में जाकर और बहनों को सक्षम होने के प्रति, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम होने के लिए और अपने कार्यक्रम चलाने वाले हैं। आज उसी का प्रशिक्षण यहाँ प्रयोग हो रहा है और उसी की वर्कशॉप आज यहाँ आयोजित की गई। लगभग कितने बहनों का संभाग रहा है? अभी हमने जो गणना की थी वो 500 बहनों का हमने ये कार्यक्रम रखा था, जो सामाजिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन अभी हम 350 के आसपास इस पर ट्रेंड कर रहे हैं। 350 बहनें आ चुकी हैं, अन्य जिलों से भी आ रही हैं, वो रास्ते में हैं ऐसा आया है, परंतु दो जिलों का सहभाग अभी हो चुका है, तीन जिलों का, बरेली, बदायूं।